Hello everyone, welcome to EduKME, my name is Anshuman and in the practice for prelim series, today we are going to solve 5 probable questions from modern history that might come in UPSC prelims 2024. So let's start. Now if you want to access all the free resources given by EduKME, all you need to do is scan this QR. If you like this video, you can hit the like button and you can subscribe the channel. Now the first question is, who among the following were associated with the Berlin Committee for Indian Independence? थ्री गिवन फिगर्स आर फर्स्ट भूपेंद्र नाथ भटत द सेकेंड इज लाला हरदयाल एंड थर्ड इज वीरेंद्र चट्टोपाध्याय तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो हैं वो एसोसिएटेड है विथ बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस नाउ गिवन ऑप्शन आर वन एंड टू ओनली बी टू एंड थ्री ओनली सी वन एंड थ्री ओनली और डी वन टू एंड थ्री यानी तीनों जो है वो एसोसिएटेड थे विथ बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस तो सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज मतलब तीनों जो ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे ये जो है बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड थे देखिए 1915 से लेकर नाइनटीन के बीच में अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन वो ओवरसीज हो रहे थे जैसे आपके बर्लिन में उसके बाद आपको पता है गदर मूवमेंट हुआ तो इस तरह के इस समय एक्टिविटीज 1915 से लेके आप बोल सकते हैं 1920 तक जो है वो बहुत एक्टिव हो गए थे इसके बीच में नॉइन इन 1915 वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय भूपेंद्र

गांधीज इलेवन पॉइंट डिमांड ठीक है गांधी जी ने जो इलेवन पॉइंट डिमांड रखा था उसमें कौन कौन जो थे वो थे इसके पार्ट नाउ द गिवन ऑप्शन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबॉलिश लैंड रेवेन्यू सेकेंड रिजर्व कोस्टल शिपिंग्स फॉर इंडियंस थर्ड इंप्लीमेंट रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सी एंड फोर्थ अबॉलिश द पोस्टल रिजर्वेशन बिल तो आपको बताना है कि इसमें से कितने जो थे वो गांधीज इलेवन पॉइंट डिमांड में इंक्लूडेड थे नाउ ऑप्शंस ऑप्शन वन एंड थ्री बी वन टू एंड थ्री सी टू एंड थ्री और डी टू थ्री एंड फोर तो सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है नाउ दे आपको पता है इस तरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं तो अब आपको रिलेटिवली रिलेटिवलीजी लगेंगे बिकॉज यूपीएससी प्रेजेंट ट्वेंटी में जो ऑप्शन दिए गए थे ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए और अगर आपने स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ा है आपने मॉडर्न हिस्ट्री का एसीआर अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है टू एंड थ्री ओनली यानी वन एंड फोर जो थे

देश का वो जा रहा था क्या इन द फॉर्म ऑफ जो सैलरी पेमेंट हो रहा था सिविल सर्वेंट्स को या फिर आर्मी पे जो खर्चा हो रहा था तो उस पर जो है बोला गया कि आपको एक्सपेंडिचर घटाना है इंप्लीमेंटेशन टोटल प्रोहिबिशन ठीक है इंप्लीमेंट टोटल प्रोहिबिशन रिफॉर्म क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी जिसको आप जो मिस यूज गवर्मेंट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी उसमें रिफॉर्मेशन चाहिए थी इसके बाद को करने के लिए बोला गया और बोला गया कि रिलीज पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट सबसे बात क्या है कि जो पोस्टल रिजर्वेशन बिल है उसके एक्सेप्टेंस पे बात की गई थी कि इसको आप एक्सेप्ट करें ना कि इसको रिजेक्ट करें तो यहां पर आपसे थोड़ा सा सेंटेंस को ट्वीट कर दिया गया तो आपका ऑप्शन फोर जो है वो गलत हो जाता है ना हम लोग देखें तो क्या हुआ था इसके बाद रिड्यूस बोला गया था एक्सचेंज रेट को भी थोड़ा सा घटाइए कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, है, वो बढ़ सके उसके बाद लैंड रेवेन्य करने का बात नहीं हुआ क्योंकि वो आपको पता है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक तरह का वो टैक्स था तो इसको बोला गया कि आपको रिड्यूस लैंड रेवेन्यू बाई फिफ्टी तो यहां पर यह भी स्टेटमेंट जो है वो गलत होता तो जो सही था वो आपका टू एंड थ्री चलिए मूविंग फॉर टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इवेंट क्रोनोलॉजी पर बेस क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्योंकि पहले क्या होती थी ना यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछती थी कि कौन सा इवेंट किस डेट में हुआ है लेकिन रीसेंट टाइम में ये देखा जा रहा है कि क्रोनोलॉजी पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो इस तरह की चीजों के बारे में आपको क्लैरिटी होना चाहिए अगर आपको सारी चीजों का टाइमलाइन पता है तो आप ऑप्शन देख के यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटैम्प्ट करना चाहिए नो द क्वेश्चन इज अरेज द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इन द क्रोनलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रॉक मतलब जो

One.

सेशन हुआ था दिल्ली में उसी के अंदर जो है जो जिन्ना के प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ था उसी में जो है आर्टिकुलेट किया गया था 14 पॉइंट्स जिसको रखा गया था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना है तो ये हुआ था मार्च 29 में नाउ बात करें गांधी इरविन पैट की तो ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट था इंग्ड बाई महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन उस समय जो वाइस ऑफ इंडिया थे ऑन मार्च फाइव थर्टी वन तो नाइनटीन थर्टी वन में ये हुआ नाउ अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप इवेंट्स को देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा वन थ्री फोर टू ठीक है तो सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी वन थ्री फोर टू चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट आश्रम स्टैब्लिश बाई महात्मा गांधी इन इंडिया वॉज इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने जो तो सबसे पहला आश्रम यहां पर स्थापित किया वो कौन सा था द गिवन ऑप्शन आर फर्स्ट बारडोली तालुका आश्रम बी कोचराब आश्रम सी साबरमती आश्रम और डी सेवाग्राम आश्रम आपको सोच के बताना है कि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला स्टैब्लिश किया गया आश्रम कौन था इंडिया में तो इसका सही ऑप्शन क्या है इसका सही ऑप्शन है कोचराब आश्रम चलिए इसके बारे में जानते हैं नो इट वॉज स्टैब्लिश ऑन मे ट्वेंटी बाई महात्मा गांधी और द कोचराब आश्रम स्टैंड एज द आश्रम इन इंडिया सिचुएटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सिटी ऑफ अहमदाबाद मतलब सिटी अहमदाबाद से काफी क्लोज बनाया गया था और यह सबसे पहला आश्रम था जो कि गांधी जो, गांधी जी के द्वारा बनाया गया था आफ्टर कमिंग टू इंडिया नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिए हुए आपको ऑप्शन इज जी वी मावलांकर इसके बाद बी स्वामी विवेकानंद सी बाल गंगाधर तिलक और डी वीर सारोच के बताइए बुक है द आर्टिक होम इन दस के द्वारा पेन किया गया था इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक तो देखिए क्या है आपको पता है जो जो बाल गंगाधर तिलक जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने एक तरह से क्या किया था हमारे जो इंडियन सोसाइटी में एक तरह का रिनासा लेके आए थे वो बिकॉज उन्होंने जितने भी जैसे आपको पता है गणेशा फेस्टिवल्स फिर उन्होंने बोला कि हमारा जो इंडिजिनस कल्चर है वो बहुत रिच रहा है और वो साइंटिफिक भी रहा है क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि हमारा कल्चर जो है वो बहुत पुराने ख्यालों पर बेस्ड है और वो साइंटिफिक नहीं है तो इसको लेके जो है वो तिलक वो काफी मतलब इसको, इसको लेके उन्होंने काफी प्रयास भी किया और उनका एक इसी में एक आप बोल सकते हैं प्रयास था जिसमें उन्होंने वैदिक कल्चर के बारे में बताया नाउ आर्टिक होम ऑफ दस जो ये बुक था इसको क्या किया दैट ब्रॉट एंड इंडियन कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन सोशल इवोल्यूशन एज अ रेस्पॉन्स टू दी फिजिकल इन्वॉयमेंट उन्होंने अपने बुक में ये एविडेंसेस दिए कि इंटरग्लेशियल पीरियड में किसी टाइम पर जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन जो है वो पॉसिबल था आर्टिक एरियाज में तो उन्होंने बोला कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे इंडिया के जो वैदिक सिविलाइजेशन के जो एंसेस्टर्स थे वो आर्टिक रीजन में रहते थे तो इन्होंने इस बुक में इस चीज का जो है कोशिश किया इस चीज को बताने का और बेसिकली ये एक तरह से प्रयास था कि बताना कि हमारा कल्चर भी जो है दैट हैज बीन साइंटिफिक और वो सिर्फ जो है वो आप कल्चर ट्रेडिशन या मान्यताओं पर नहीं बेस रहे जबकि साइंटिफिक एविडेंसेज भी हैं तो यहां पर हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व आर रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको टफ लगे लेकिन इन का ये मकसद है कि आपको बताना है कि जिस भी पार्ट में आप मिस कर रहे हैं आप उस चीज को अगेन रिवाइज करिए अगर आपने किसी पार्ट को नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप पढ़ के जाइए बिकॉज आपको पता है अगर आप प्रिलिम्स के क्वेश्चन को देखेंगे तो किसी भी पार्ट को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं एक बार आप देखकर जरूर जाए हो सकता है कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन वहां से पूछा जाए तो अगर आपको नॉलेज रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे नहीं तो अगर आपको अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल आपको स्किप करना पड़ेगा क्वेश्चन ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक यू